Hello students, how are you all? So today we are going to learn about the Rutherford's atomic model. In the last lecture, we have learned about the Thomson's atomic model, how the Thomson proposed the atomic model, and today we are going to learn about Rutherford's atomic model. तो जो Rutherford ने क्या दिया and why Rutherford need for the atomic model. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, व्हाट वाज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था दैट एटम वाज ऑफ द सर्कुलर स्फीयर, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. दिस वाज द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय द थॉमसन. दिस वाज द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय द थॉमसन. दिस आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, ये जो बाकी की चीजें बची वो क्या है, वो प्रोटॉन है. क्या है बेटा? प्रोटॉन. समझ में आया? दिस वॉज द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय द थॉमसन. इसके थोड़े बहुत लिमिटेशन थे, इसके थोड़े बहुत लिमिटेशन थे. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन क्यों होते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए, क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए, वो सारी चीजें समझाने के लिए रुथरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत थी वो यहां पे देखते हैं. रुथरफोर्ड ने लिया एक गोल्ड फॉइल. क्या लिया बेटा? गोल्ड फॉइल. व्हाट इज गोल्ड फॉइल? तो गोल्ड फॉइल देखते हैं कि गोल्ड फॉइल यानी जो एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आता है जो हम खाना पैक करने के लिए, रोटी वोटी पैक करने के लिए यूज करते हैं, सिमिलरली गोल्ड फॉइल आता है. तो एल्यूमिनियम की जगह गोल्ड का क्यों लिया, दूसरे कोई मेटल का क्यों नहीं लिया, सिर्फ गोल्ड का क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड का सबसे पतले से पतला फॉइल बन सकता है. समझ में आया? पतले में से पतला फॉइल बन सकता है. तो सबसे पतला अगर कोई चीज, कोई मेटालिक चीज का एक पेपर बन सकता है, फॉइल बन सकता है, तो वो है गोल्ड. कितना पतला? तो सिर्फ 1000 एटम्स थिक. 1000 एटम्स थिक. ठीक, यानी एक एटम, दूसरा एटम, थर्ड एटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसा. तो ये जो थिकनेस हम जो कहते हैं, कागज की जो थिकनेस हम कहते हैं, दैट इज 1000 एटम्स थिक. हमारा जो नॉर्मल पेपर, अभी जो आप पेपर में लिख रहे हो, वो पेपर की थिकनेस होगी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स. थाउजेंड नहीं, एक के पीछे 10-15 जीरो लगा दो, उतनी ज्यादा थिकनेस वो एटम की है, वो पेपर की उतनी ज्यादा एटम की थिकनेस है. लेकिन हमने गोल्ड फॉइल जो लिया, हमने नहीं, रुथरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल लिया वो कितना थिक था? 1000 गोल्ड मल थिक. इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाया. कौन से पार्टिकल्स बेटा? अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम्स. क्या होते हैं बेटा? हीलियम एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी. क्या होगी बेटा? एनर्जी जिसकी हाई होती है. अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम एटम्स होते हैं, उसी को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, कुछ अलग नहीं है. आयन्स के बारे में, हीलियम जो पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम आयन है पॉजिटिवली टू चार्ज आयन, जो उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं. अबाउट द आयन्स, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं. क्लियर? तो ये एनर्जी जिसकी बहुत ही हाई थी, इसीलिए. समझ में आ गया? तो उन्होंने ये सारी चीजों को किया क्या कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फॉइल है, तो मतलब कितना थिक था गोल्ड फॉइल? 1000 एटम. तो यहां पे हम देखते बेटा, देखो ये सपोज गोल्ड फॉइल है. क्या है बेटा? गोल्ड फॉइल. क्लियर? तो ये गोल्ड फॉइल जो है, यहां पे हमने ये गोल्ड फॉइल बना दिया. तो ये क्या है बेटा? ये गोल्ड फॉइल हमारा बन गया. ये गोल्ड के एटम्स हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, क्या बेटा? गोल्ड एटम्स. इसके ऊपर हम क्या फेंकने वाले हैं? अल्फा पार्टिकल्स. तो सपोज ये अल्फा पार्टिकल्स आए. समझ में आया? तो क्या हुआ कि भाई अगर वो एटम यहां पे पूरा हुआ भरा, हरा भरा है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा तो टकरा के वापस आना चाहिए, या तो इसके साथ चिपक जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए. लेकिन हुआ क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
कि भाई अगर ये एटम पूरा हरा भरा है बीच बीच में तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है ना, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थोड़ी है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारा पूरा बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरेंगे यहाँ पे चिपक जाएंगे या तो फिर टकरा के वापस आएंगे। लेकिन हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, उसके बीच में से निकल गए। क्या हुआ बेटा, उसके बीच में से निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका यहां पे हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ कि जाना सीधा चाहिए था, थोड़ा ऊपर गया। कुछ वेरी फ्यू ऐसे पार्टिकल्स थे, बट ओनली वन पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स, ऐसे हमने कितने डाले, 1 2 3 4 5, ऐसे 12,000 डाले, तो ओनली वन आउट ऑफ 12,000, ओनली वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल ऐसे टकरा के कहीं पे भी नहीं गया, डिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ, सीधा वापस आया, उल्टा जैसा गया था टकरा के वापस आया। जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल टकरा के वापस आता है, उसी तरीके से जैसे गया वैसे ही वापस आया, क्लियर। तो उस तरीके का डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये तो रुथरफोर्ड के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात हो गई कि भाई एटम तो ऐसा दिखता है, तो यहां पे तो टकरा के सारे वापस आने चाहिए थे। ये तो पूरा हरा भरा है तो यहां पे तो टकरा के वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो आप, कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आप आंख पे पट्टी बांधी है, आपके हाथ में कोई मेटल का केन दिया या तो फिर मेटालिक चीज दी हुई है जो टकराने से आवाज आ जाए, कि जैसे यहां पे हम टकराएंगे आवाज आ रही है, हाँ ऐसी आवाज आनी चाहिए। आपके आंख में तो पट्टी है तो आपकी आंख बंद है, आपको सामने की दीवार पे आपको केन मारना है या तो फिर कोई भी वो चीज टकरानी है, ऐसे फेंकोगे तो आप वहां पे दीवार पे टकराएगा तो आवाज आएगी, एक बार फेंका आवाज आई, दूसरी बार फेंका आवाज आई, 10 बार फेंको, 10 बार फेंको तो 10 के 10 बार आवाज आएगी, क्योंकि दीवार तो बहुत नजदीक है, वॉल बहुत ही नजदीक है। यहां पे इस तरीके से आपको चौक फेंकनी है तो यहां पे टकराएगा तो आवाज तो आएगी, यहां पे जैसे जैसे आवाज तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उसी तरीके से आपने दीवार पे मारा तो दीवार पे आवाज आई। लेकिन अगर आप सोचो कि बीच में फेंसिंग है, अभी दीवार हटा दो, सिर्फ फेंस है, फेंस यानी वो तार लगाए होते हैं ना, मेटल के तार, फेंस होती है जिसपे काटे काटे होते हैं, तो मतलब उसको कूद नहीं सकते, रोड के दोनों किनारे पे लगाया जाता है या तो फिर किसी को ट्रेस पास खेत पे लगाया जाता है, ऐसे वायर्स होते हैं वन, ऐसे ही वायर्स होते हैं फेंसिंग वाले, देखे कि जिसमें थोड़े बहुत यहाँ पे ऐसे चुभ जाए, वैसे मेटलिक पिंस होती है, याद आया, ऐसी फेंस। तो वहां पे अगर आप मारोगे तो शायद ही एक आध वहां पे फेंस को छुएगा, वरना उसके बीच में से पास हो जाएगा, हाँ या ना, कि बीच में फेंस लगा दी होती और वॉल की जगह, वॉल जहां पे दीवार थी वहां पे अगर हम फेंस लगा देते, जहां पे दीवार थी वहां पे हम क्या लगाते बेटा, फेंस लगाते हैं, फिर आप आंख बंद करके फेंको कोई चीज, आवाज आएगी, बहुत ही कम आवाज आएगी, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम पार्टिकल्स होंगे जो फेंस को टच करेंगे, शायद 10 में से 1 आदि होगा, ओनली 1 आउट ऑफ 10, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज आपके सामने पूरी फिलअप्ड है जैसे कि वॉल, तो सभी में आवाज आएगी, सभी टकरा के वापस आएंगे, लेकिन अगर फेंस होती तो शायद एक आध छूता उसको, समझ में आया, वरना ज्यादातर तो चीजें क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर सही में ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स को टकरा के वापस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आया वापस, कितने आए, ओनली 1 आउट ऑफ 12,000, और बहुत ही कम थे जो यहाँ से टकरा के ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हो गए या तो फिर टकरा के नीचे के डायरेक्शन में मूव हो गए, ऐसे बहुत कम थे, ज्यादातर तो क्या हो गए बेटा, पास हो गए। इससे क्या पता चला कि वो एम्प्टी स्पेस है, फेंस की तरह खाली जगह बहुत ज्यादा है, बहुत कम चीजों पे फेंस लगाई गई है, बहुत ही एम्प्टी स्पेस है, इसीलिए तो आप बॉल फेंक रहे हो तो किसी को छू रहा नहीं है। तो यहाँ पे ये थॉमसन का जो स्ट्रक्चर था वो रिजेक्ट कर किया गया बाय द रुथरफोर्ड कि ऐसा नहीं हो सकता। रुथरफोर्ड को तो लगता था ऐसा ही है, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ज्यादातर तो चीजें पास हो गई, तो एटम क्या होगा, एटम होगा होलो, होलो यानी खाली, एम्प्टी, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी। एटम तो कैसा है बेटा, एटम है होलो, होलो का मतलब क्या होता है बेटा, होलो का मतलब होता है एम्प्टी, समझ में आया, तो एटम तो पूरा एम्प्टी है, समझ में आ गया।
दूसरी चीज क्या पता चली उसको, रुथरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से, रुथरफोर्ड ने जो ये अल्फा स्केटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल्स को फेंकना था, उसे बोलते स्केटरिंग, उससे क्या पता चला कि एटम का अंदर का जो पोर्शन एकदम क्या है बेटा, होलो है, मतलब एम्प्टी है। समझ में आया? दूसरी चीज क्या पता चली, दूसरी चीज यहां पे पता चली कि उसका जो भी पूरा मास है वो सेंटर में है, एटम का पूरा मास क्या है, सेंटर पे है। क्यों? इसीलिए तो वहां से टकरा के जाएगा। अगर कहीं और जगह पे मास होता तो वहां पे टकराता, लेकिन कहीं और जगह पे नहीं टकरा रहा है। सारी की सारी चीजें कहां पे टकरा रही है, सेंटर पे ही टकरा रही है। तो क्या लिखा, ऑल मास लाइज एट द सेंटर, लाइज एट सेंटर, क्लियर। थर्ड, वो जो सेंटर है, वो जो सेंटर है कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, क्लियर। वो सेंटर कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है, आप देख लेना क्या लिख रहा हूं, जब बोलू तब उस पर ध्यान देना, तो आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लगा रुथरफोर्ड को, क्यों पॉजिटिवली चार्ज ने, क्योंकि एक ही पार्टिकल यहां पे टकरा के वापस आता था, अल्फा पार्टिकल, कौन सा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल। अगर यहां पे सेंटर नेगेटिव चार्ज होता, सेंटर अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन। तो यहां पे क्या होता है, चिपक जाता, लेकिन नहीं, ये तो टकरा के वापस आया, तो इसका भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिपेल इच अदर, रिपेल करना मतलब टकरा के वापस आएगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ चिपक नहीं सकता दूसरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल को चिपकना चाहिए, तो कहीं पार्टिकल चिपका भी नहीं। तो इससे क्या पता चला कि जो भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ऑर्बिट्स में, नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है, और उसका कोई मास नहीं है, वरना तो अल्फा पार्टिकल्स उसके साथ चिपक जाते, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, उसने क्या बोला कि भाई ये जो सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियस, और ये जो सर्कल है कि सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहेंगे, और ये ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो जो सेंटर की ऑर्बिट है, जो सेंटर की ऑर्बिट है उसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट 10^5 टाइम्स होगी, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10^5 टाइम्स बिगर देन ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस इज 10^5 टाइम्स बिगर, 10^5 टाइम्स यानी 1,00,000 टाइम्स बिगर, 1,00,000 टाइम्स बिगर। तो यानी एटम में ऑर्बिट की साइज बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस वॉज द पॉइंट गिवन बाई द रुथरफोर्ड। लेकिन ये भी मॉडल चला नहीं, इसमें भी ड्रॉबैक आया। क्या ड्रॉबैक आया कि देखो ये सेंटर है और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, गेन किए जा सकते हैं, तो ऑर्बिट्स तो बहुत सारी हो सकती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन रुथरफोर्ड ने क्या बोला, सिर्फ एक ही ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगर सही में ऐसा होता, अगर सही में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो हम बता कैसे सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कि लिथियम होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते जो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते। तो हम समझा कैसे पाएंगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डोनेट होंगे, क्यों डोनेट कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनेट गेन वाला काम था वो समझा सके नहीं, कौन, रुथरफोर्ड। दूसरा, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है
तो वो क्या करेगा बेटा, ऐसा एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या रेडिएट करेगा? एनर्जी। जैसे सन है ना, सन बहुत ही बड़ा सा चार्ज पार्टिकल है और सन भी घूम रहा है, सन भी मूव हो रहा है, इसीलिए सन के अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो सन अर्थ पे आती है। अर्थ पे लाइट क्यों आती है? क्योंकि सन चार्ज पार्टिकल है और सन मूव कर रहा है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, तो सन के अंदर से एनर्जी रेडिएशंस निकल रही इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर से भी रेडिएशंस निकलने चाहिए। सन बहुत ही बड़ा है, सन बहुत ही बड़ा है, तो उसका भी एजिंग होगा कि एक टाइम होगा कि वो कितनी एनर्जी बोलेगा। अगर मैं बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ बोलता जाऊँ तो कितने टाइम तक बोल पाऊंगा? शाम तक को तो मेरी आवाज़ कम हो जाएगी, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, सन का भी रेडिएशन कम हो जाएगा, सन की भी डेथ हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उसका वो कैसा घूमने लगेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इस तरीके से उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी। समझ में आया? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे ऑर्बिट इस तरीके से कम होगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। क्या होगा बेटा? ऐसे धीरे धीरे एनर्जी जैसे कम होती जाएगी तो ये ऑर्बिट कम होती जाएगी और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गया तो जो हमारा एटम था वो एटम भी टूट गया, तो मतलब एटम चला गया, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आप ही सोचो, अगर मैं चौक ऐसा रखता हूं, चौक का पीस ऐसे का ऐसा ही रखेंगे तो क्या चौक के पीस में एटम्स कम होते हैं? एटम्स कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तो एटम अनस्टेबल हो गया, एटम तो क्वाइट स्टेबल है। एटम में कभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिक्स नहीं होते, एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एटम डिस्ट्रॉय होता नहीं है। अगर इनके हिसाब से बात करें कि भाई नेगेटिव ऑर्बिट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दी ऑर्बिट, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते, अगर सही में ऐसा होता तो एनर्जी रेडिएट करते। क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे? क्यों एटम स्टेबल है? तो ये जो एटम था वो स्टेबल है, तो रुथरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रुथरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये चीज थी रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, रुथरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल। आज होमवर्क में आपको टू टाइम्स लिखना है विथ होमवर्क, टू टाइम्स विथ होमवर्क विथ फिगर, है ना? तो ये तो सारे नोट्स जो लिखवाए थे वो तो लिखने ही है, टू टाइम्स आपको विथ फिगर आपको रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखना है, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल पूरा। अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, फिगर रखो, फिर उनको रिजल्ट क्या मिले, रिजल्ट में से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, और कंक्लूजन के बाद उन्होंने एटम का मॉडल कैसे दिया। तो पांच पॉइंट्स है बेटा। पहले तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें इकट्ठा की, दूसरा फिगर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको रिजल्ट क्या मिले, और तीसरा पॉइंट रिजल्ट जो मिला उसमें से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन के बाद उन्होंने कौन सी चीज़ें लोगों को बताई, मतलब उन्होंने कैसा मॉडल मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया, वो चीज़ें। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। उसके नीचे ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड दिया हुआ है, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड में से आपको तीन पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं बेटा? थ्री पॉइंट्स फ्रॉम द ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये चीज़ें आपको आज होमवर्क में कर लेनी है, क्लियर? आपको मैं नोट्स भिजवा दूंगा तो आप उसका भी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।